जैसा सब प्लान किया था हुआ ना? आपको क्या लगता है? मुझे क्या लगता है क्या नहीं, तो छोड़ ही दे, मेरा सर फोड़ देगी तू। आपको ऐसा लगता है कि मैं जो प्लान करूंगी वो नहीं कर सकती? लिसन, मुझे कुछ नहीं लगता, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत करो। मुझे पता जैसा प्लान किया था वैसे हो रहा है ना सब? Exactly, जैसा प्लान किया था वैसा ही हुआ है। ग्रेट मॉन, लेकिन मुझे एक बात बता, तो आरवी के कमरे में जाएगी कैसे? सिंपल, पैसा। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मनी सॉल्व नहीं कर सकती। तो मैंने एक वेटर को ब्राइब किया पूर्वी के ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए। अब जब आरवी और पूर्वी नीचे खाना खाने आएंगे तो बेटा मेरा काम कर देगा। तो बस फिर रूम नंबर 701 में होंगी सिर्फ मैं और मेरा आरवी, और ये पूर्वी आउट। नॉट बैड मॉन, दैट साउंड्स लाइक अ टोटली वाओ आइडिया। लेकिन मुझे एक बात बता, इस समय पूर्वी को खतरा नहीं है ना? राइट, कुछ नहीं होगा। इन एनी वे हु केयर्स, ये आपको पता है ना, मैं आरवी को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, एनीथिंग। मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे मुझे रात के लिए रेडी भी होना है। आइए आइए सर, वो है आपकी सीट। सर, आप दोनों बाकी जोड़ियों के जैसे नहीं आएंगे हाथ में हाथ डाल के। अरे तुम अपना काम करो ना। तुम एक्चुअली इन्हें प्रॉब्लम है, आई मीन इन्हें कोल्ड हुआ है, सर्दी हुई है, इसलिए हम इतना दूरी बनाकर चल रहे हैं, सेफ डिस्टेंस, जिससे मुझे कुछ ना हो। एक्चुअली हिना मेरा बहुत ध्यान रखता है, बहुत केयरिंग है ना? वाओ, पति पत्नी हो तो ऐसे। आप दोनों कितनी चिंता करते हैं एक दूसरे की। सच में सर, आप तो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, एकदम प्यारे वाले। क्या था ये? मतलब तुम उसको वहां क्या कह रही थी? कि मुझे कोल्ड हुआ है इसलिए डिस्टेंस मेंटेन की है मैंने। मैं तुम्हारी केयर करता हूँ और न जाने पता नहीं क्या क्या। सच क्यों नहीं बोला? कौन सा सच? यही कि हम नॉर्मल कपल जैसे नहीं चल रहे थे, क्योंकि हम कपल है ही नहीं। तुम सच में इतने बुद्धू हो या फिर कुछ स्पेशल है आज, इसलिए तुम्हारे दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ है? What do you mean? ये डिनर किसने बुक किया? दादी और दादू ने, राइट? हाँ तो? हाँ तो ये कि तुम्हारी फैमिली यहाँ के लॉयल कस्टमर्स में से एक है, तुमने ही बताया था। तू कभी भी कॉल कर सकते है, पूछ सकते है हमारे बारे में, समझे? बात तो सही कही इसने। हाँ तो पूछते हैं तो पूछे, इस सब फालतू बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो फर्क तो मुझे भी नहीं पड़ता है, ना तुमसे ना तुम्हारी बातों से, लेकिन दादी दादू से पड़ता है। और वैसे भी उन्होंने बहुत उम्मीदों से खुशियों से हमें यहाँ भेजा, और मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं किसी की उम्मीद या खुशियाँ तोड़ू। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।